खामोशिया बेचैनिया रादानिया। अरे वाह रश्मि, अरे बहुत बहुत बधाई हो कि तुम माँ बनने वाली हो। सुनो, इस हालत में ना संभल के चलना और भारी सामान तो बिल्कुल मत उठाना। हाँ क्या, आम खाने का मन करता है? आम खाने का मन तो मेरा भी करता है, पर मैं ना चोरी छुपे खा लेती हूँ। मन तो इमली खाने का भी करता है और कभी कभी मिठाई भी। आइसक्रीम तो बहुत खाई है। हरी मुरी भैया, भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, कच्चा आम खाना चाहिए और कोनो बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लगता है चांदनी भाभी पेट से है। अभी हम ये इंफॉर्मेशन वा हमरी मैडम को बता के आते। अरे गोरी गोरखपुरी, तुझे कैसे पता? अरे गौरी गोरखपुरी नाम है हमरा, गौरी गोरखपुरी। अरे आसपास की सभी जगह की खबर रखते हैं। हाँ रब्बा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं भोलू पुत्र को बता के आती हूँ। है क्या सच मम्मी जी, मैं बाप बनने वाला हूँ? बार बार एक ही बात को दोहरा के तू मेरा बिल मत बढ़ा। नंदू पुत्र ऑफिस से आते हुए ना 8-10 तरह की मेरी पसंद की मिठाइयाँ ले आना। ओके मम्मी जी, बाय। अरे वाह, शाबाश नंदू, शाबाश, तू फिर से बाप बनने वाला है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं आदमी हूँ या सुपरमैन। वाह, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और आज बहुत अच्छी खुशखबरी सुनी है मैंने। हाँ पता है मुझे, डॉक्टर ने बताया ना? नहीं नहीं, रश्मि ने बताया है। तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात रश्मि तुम्हें कैसे बता सकती है? क्योंकि रश्मि को बच्चा। एक मिनट, मैं प्रेग्नेंट हूँ मतलब? अरे चंदू, प्रेग्नेंट होना मतलब पेट में बच्चे का आना। वो मुझे पता है नंदू, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बात तुम्हें किसने बताई? मम्मी जी ने बताई। चंदू तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये बात नहीं पता यार, तुम अपना ख्याल नहीं रखती। अरे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? पर चंदू, मैंने तो ऑफिस में 1200 रुपए की मिठाई तक बांट दी यार। नंदू इतनी बड़ी बात उठी कैसे? अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? नंदू तुम्हें अपने मुंह की पड़ी है। मैं पूछ रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इतनी बड़ी बात उठी कैसे, किसने फैलाई? और वैसे भी मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। और तुम्हें तीसरा बच्चा क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बात को समझो नंदू, अभी दोनों बच्चे छोटे हैं, तीसरे की जिम्मेदारी हम उठा नहीं सकते। और वैसे भी हम दो हमारे दो, इससे आगे कुछ नहीं। नहीं चंदू, मुझे एक बेटी चाहिए। पर नंदू मुझे नहीं चाहिए यार। ये फैसला तुम अकेली नहीं ले सकते। अरे नंदू सुनो तो, ये क्या हो गया? खामखा 1200 रुपए का खर्चा हो गया। हाय 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 हाय, शाबाश है पुत्र, शाबाश है, I am proud of you। उसको लेकर खुश होने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, क्योंकि चंदू प्रेग्नेंट ही नहीं है। हाँ, सबको कंफ्यूजन हो गया है और वो तो तीसरा बच्चा भी नहीं चाहती। ओए रब्बा, पुत्र तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं बहू से बात करूंगी। मम्मी जी। बहू, ओए मेरी लाडू, तूने बच्चे के लिए मना क्यों किया है? मम्मी जी मना किया? नहीं नहीं, मैंने तो बच्चों को आइसक्रीम दी, मैंने कहा मना किया? ए नलायके, मैं आइसक्रीम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं होने वाले बच्चे की बात कर रही हूँ। आप क्या मतलब? क्या मतलब? देख भाई बहू, तू मेरे पुत्र को एक बेटी दे दे बस। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? पति की बात को टालना नहीं चाहिए, ये औरत का परम धर्म होता है। मम्मी जी सुनिए। ओहो, कोई मेरी बात नहीं समझना चाहता, और ये नंदू है, पता नहीं इसने मम्मी जी को क्यों बता दिया। अरे मैंने कहाँ बताया चंदू, वो अपने आप ही समझ गई होंगी। अच्छा झूठ मत बोलो, अपने आप कैसे समझ गई वो? मुझे नहीं पता। भाई तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, आपस की बात तुमने पूरे मोहल्ले को बता दी। अबे क्या बोल रहा है यार, मैंने कब बताया? भाई टाइम नहीं पूछा मैंने भगवान अंकल से। भगवान अंकल? हाँ भाभी, भगवान अंकल, उसी लूलू ने मुझे बताया कि आप दोनों के बीच में बच्चे को लेकर लफड़ा चल रहा है। क्या कह रहे नंदू, उन्हें भी पता चल गया? अरे चंदू मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चल गया यार। ये सारी बातें मम्मी जी ने बताई होंगी, मम्मी जी भी ना। हाय 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 हाय, नमस्ते बहन जी, नमस्ते नमस्ते। मम्मी जी आपने इन औरतों को घर की बातें क्यों बताई? पर वो बात तो मैंने नहीं बताई। नहीं मम्मी जी आप झूठ मत बोलिए, आपने तमाशा बना के रख दिया है। कितनी एम्बैरेस हो रही हूँ मैं सबके सामने मम्मी जी। चंदू बेटा,
ये बात तारा ने नहीं उस गौरी ने सबको बताई है। मम्मी, मम्मी। ओके बाय 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 तारा। बाय बाय। ए बहू, तूने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझ पर तारा वंती वर्मा पटियाले वाली पे। मैं बहुत दुखी हूँ बहू। आई एम वेरी सैड एंड यू आर वेरी बैड। एक कितना छोटू सा है, क्यूट सा, कितना क्यूट है। अरे चंदू, ये कपड़े खुद से क्यों नाप रही हो, ये तुम्हें नहीं आएंगे। नाप नहीं रही हूँ नंदू, गले से लगा रही हूँ। वैसे नंदू, हमारे घर में छोटी परी भी आएगी ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच चंदू? हाँ नंदू। अरे वाह, ये बात तो मम्मी जी और पप्पू को बताने वाली है। सच? ए बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। मैंने सोचा था 3 दिन तक तुझसे बात नहीं करूंगी, पर आई और बात, तूने तो मुझे खुश कर दिया। भाभी, अपनी भतीजी का नाम तो मैं ही रखूंगा। लाओ पैसे दो, मैं उसके खिलौने लेके आता हूँ। अरे शांत हो जाओ मेरे भाई, शांत हो जाओ। अब जो कुछ भी होगा अगले साल ही होगा। चिंटू बिटू थोड़े बड़े तो हो जाए हैं? कोई बात नहीं बहू, आने वाली नन्नी परी की तैयारियाँ मैं अभी से शुरू कर दूंगी। ठीक है मम्मी जी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।